बढ़िया बच्चों, आज की इस वीडियो में जनरली हम बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर फिफ्थ के बीए और बीएससी के रिजल्ट कब तक आएंगे और बीए बीएससी बीकॉम के जो लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो कब तक होने की उम्मीद है, इस पे बात करने वाले हैं बच्चों। दूसरी बात हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट कब तक आने वाला है और एग्जाम डेट क्या होने वाला है, स्टूडेंट बहुत परेशान है। वही बात सेम यहाँ करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए कि उनका रिजल्ट कब आ रहा है और उनके एग्जाम डेट क्या होने वाला है। एट लास्ट हम आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के बारे में बताएंगे, जहाँ अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी न्यूज की टेंशन छोड़ देनी है, वो आपके मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं बात। सेमेस्टर फिफ्थ के रिजल्ट में अभी एक आज कंफर्मेशन ये निकल के आया है कि हर हाल में सेमेस्टर फिफ्थ का जो बीए और बीएससी का रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ मई तक जारी कर देना है, ऐसा कंट्रोलर साहब ने बताया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि हर हाल में सेकेंड वीक ऑफ मई तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उन्होंने आज एक जानकारी ये भी बताई है कि एग्ज़ाम हम लोग कराने वाले थे जुलाई में, लेकिन कई कॉलेज जो हैं ये प्रेशर बना रहे हैं कि बच्चों को क्या करना होता है, कहीं और एडमिशन लेना होता है, तो इसलिए पॉसिबल ये है कि हम लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बीच में हम सेमेस्टर सिक्स का एग्ज़ाम कराएंगे। अब बच्चों आपके मन में ये सवाल दो सवाल तो ख़त्म हो गया। अब यूनिवर्सिटी ने पहले ही डिसाइड कर दिया, आपका पैटर्न 2018 वाले फॉलो होता है, तो इसमें आपसे 80 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और 80 एमसीक्यू पूरा करना होता है सेमेस्टर फिफ्थ वालों में, और राष्ट्र गौरव का भी एग्ज़ाम इसी में होगा, सेमेस्टर सिक्स के साथ होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पूरे अपडेट कंप्लीट हो गए, सेमेस्टर फिफ्थ वाले की पूरी टेंशन ख़त्म हो गई, ठीक है, सेकेंड वीक तक इंतज़ार करना। वहीं बात कर लेते हैं बच्चों अब सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चे। सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चे परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम बीकॉम के रिजल्ट हर हाल में मई लास्ट वीक में जारी कर देंगे, और बचा रहा बीए और बीएससी का तो ये जो रिजल्ट होगा इसमें क्या होगा जून फर्स्ट वीक तक हर हाल में ये भी जारी कर देंगे, तो रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर वालों का इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं बच्चों की थर्ड सेमेस्टर मतलब जो भी फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है, यूनिवर्सिटी ने क्या बताया। तो यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि हम बीए बीएससी बीकॉम के जो एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर फोर्थ के, वो एग्ज़ाम हम कराने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ जुलाई में या फोर्थ वीक, थर्ड से फोर्थ वीक के अंदर हम करा लेंगे पूरे एग्ज़ाम, ठीक है। और पैटर्न वही रहने वाला है बच्चों जो पुराना था, 150 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, मात्र 75 आपको करना है, ठीक है। ये हो गई अपडेट सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों की। सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए उन्होंने ये बताया है कि सेमेस्टर फर्स्ट में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन उनको परेशान नहीं होना, उनके रिजल्ट जो होंगे वो थर्ड वीक ऑफ जून तक हर हाल में जारी हो जाएगा, और लास्ट वीक ऑफ जुलाई से इनके पेपर कराए जाएंगे, और इनके भी सेम वही पैटर्न है, 150 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन इनको करना होगा, 75 मल्टीपल चॉइस करने होंगे। ये रही बात बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चों की। बाकी पीजी के भी बच्चे, तो पीजी के रिजल्ट रेगुलर आ रहे हैं और 15 मई के बाद से जो रिजल्ट होंगे पीजी के वो भी जारी होने लगेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे क्या मिलने वाला है। सुबह सुबह आपको यूनिवर्सिटी की पूरी खबर यहाँ पे मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलता है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको मात्र 149 रुपीज में वीडियो क्लास, ई नोट्स, 500 एमसीक्यू बैंक, 24/7 चैट सपोर्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको 149 रुपये में मिल जाती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना किताब खरीदने की ज़रूरत है। वहीं बात करूं बीए और बीएससी की, तो बीए में हम लोग 6 सेमेस्टर के लिए नहीं देते हैं, और बीएससी में भी 6 सेमेस्टर 4 के लिए अवेलेबल ही यहाँ पे होने वाला है। सेमेस्टर 4 में बीएससी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और वीडियो क्लासेस पे हम पूरी फोकस कर रहे हैं कि कंप्लीट करें, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है बच्चों। तो अभी आपको ये कोर्स मात्र आपको 59 रुपीज़ या 69 रुपीज़ में मिल जाएगा बच्चों इसी मोबाइल ऐप पे। वहीं बात करूं आपके बीए की, तो सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स अपडेट हो चुका है, लगभग 10-20 कोर्सेस अपडेट कर देंगे, उनके नोट्स और 500 एमसीक्यू बैंक आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे एट अफोर्डेबल कॉस्ट में। और वहीं बात करूं तो अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों। तो आपको हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों। अगर आपको कोई भी
दिक्कत भी होती है तो यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे आके हमसे जानकारी पूछ सकते हैं और हम वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों होप बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जाते जाते आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा बच्चों, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।